आज हम लोग सेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे आजू बाजू में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या हम हो, हर कोई बना सेल से है। ये राइबोसोम जब न्यूक्लियोलस में फॉर्म होता है, उसको उसके बाद न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में जो पोर्स रहता है उसके थ्रू बाहर साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। यहाँ पे आके वो इधर तो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रह सकता है, या फिर कभी कभी एक दूसरा स्ट्रक्चर के ऊपर बैठ जाता है। वो स्ट्रक्चर का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और वो ऐसे सैक के जैसा स्ट्रक्चर रहता है और एक के ऊपर एक बैठा हुआ है वो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ। जिस जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम बैठते हैं तो बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। जिसके ऊपर नहीं होता है उसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और उसके अंदर लिपिड सिंथेसाइज होता है। अब एक बार जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर, उसके बाद क्या होता है, वो उसको पैक करके एक वेसिकल के अंदर डाल के उसको छोड़ देता है साइटोप्लाज्म में, और ये लोग ऐसे तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पे एक दूसरा ऑर्गेनल जिसको बोला जाता है गॉल्जी बॉडी, वो लोग इनको ऐसे खा जाते हैं। वंस वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर वो गॉल्जी बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब जैसे कि आप लोगों ने वो आप लोगों का स्मार्टिविटी किट्स के अंदर एक इंस्ट्रक्शन शीट रहता था और आपका जो सारा पार्ट्स अलग अलग से दिया रहता था, बट वो तभी कोई फंक्शन नहीं है उस चीज़ का, राइट? बट जब आप लोग वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसको सही तरीके से जोड़े, तब जाके वो एक फंक्शनल यूनिट बना, जो भी आप लोगों ने टूल बनाया। इसमें भी वैसा ही है, प्रोटीन जब ऐसे ही सिंथेसाइज होगा तब वो फंक्शनल नहीं रहता है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उस फॉर्म में आने के बाद ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो यही वाला काम होता है गॉल्जी बॉडी के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, उसका सही से फोल्डिंग होता है और उसमें कभी कभी कार्बोहाइड्रेट या लिपिड मॉलिक्यूल्स ऐड करके उसका फाइनल फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्लांट सेल के अंदर देखते हैं, एक ऑर्गेनल है जिसको वैक्यूल बोला जाता है। वो कभी कभी सेल का अंदर का बहुत सा स्पेस कवर कर लेता है, वो स्टोरेज मॉलिक्यूल है, एक सैक की तरह है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली गैस रह सकता है, फ्लूइड रह सकता है कोई तरीके की, या फिर ऑयल रह सकता है। जब वैक्यूल के बाद हम लोग एनिमल सेल में भी एक ऐसा स्पेशल जो प्लांट में नहीं होता, एनिमल सेल में एक ऐसा है ऑर्गेनल जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, वो कचरा कलेक्ट करता है बेसिकली, कचरा कलेक्ट करके उसको रिमूव भी करता है। तो सेल में जो भी हम लोग जो दिन भर जो प्रोसेसेस होता रहता है उसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, जैसे कि कोई प्रोटीन सही से बना नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर लाइसोसोम के अंदर बहुत सारा एंजाइम रहता है, इनको डाइजेस्ट करके वेस्ट प्रोडक्ट से। तो ये लोग सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो बोथ एनिमल और प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलता है। जैसे हम लोग कोई भी काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होता है, वैसे ही हर सेल को भी चाहिए होता है, बट वो लोग क्या करते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल के एक चीज़ होता है, और उसका जो भी मशीनरी है बेसिकली मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही है। तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो ATP बोल के एक मॉलिक्यूल के तौर पे प्रोड्यूस होता है। सेल्स एक्टिव होते हैं, जैसे हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल सेल्स जो है वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो जितना एक्टिव होगा उतना ही हम लोगों को ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होगा सेल को। जैसे कि एथलीट्स को, जो लोग दौड़ते हैं उन लोगों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, आप अगर बैठे हो ऐसे तो उतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। फिर हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में बोलते हैं, जो बेसिकली एक सपोर्ट देता है। जैसे स्केलेटन क्या करता है हमारे शरीर में, जैसे पूरा जो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है उसको बांध के रखता है, उसी के ऊपर सब बनता है, तो वो भी वैसा ही है। वो प्रोटीन का बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होता है। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स को फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। फोटो मतलब लाइट, ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, लाइट को, सनलाइट को यूज़ करके अपना एनर्जी खुद ही खुद डिराइव कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और उसके अंदर एक पिगमेंट रहता है ग्रीन कलर का, क्योंकि सारा ग्रीन प्लांट्स जो है वही ये काम कर सकते हैं। तो वो ग्रीन कलर का पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, और उसी की वजह से प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट सेल में एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। वो कभी कभी सेल को स्ट्रक्चर देने में, शेप देने में, और बाहर का कोई भी जो हार्म होने से प्रोटेक्ट करने में वो हेल्प करता है। एनिमल सेल्स में वो नहीं होते हैं।
तो हम लोग अगर फिर से एक बार देखें क्या क्या हम लोग आज सीखे, एक सीखे कि सेल्स बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। फिर देखा सारा सेल्स जो वो कैसे भी टाइप का हो, सब में एक कमनैलिटी रहती है, वो है कि उनमें सेल वो कवर्ड रहते हैं सेल मेम्ब्रेन से, अंदर साइटोप्लाज्म होता है और जेनेटिक मटीरियल रहता है। यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल रहता है और बहुत सारा सेल ऑर्गेनल रहते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नॉर्मली सिंगल सेल्ड होते हैं वो लोग, मतलब एक ही सेल रहता है और उनमें न्यूक्लियस नहीं रहता, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रहता है। एग्जांपल है बैक्टीरिया। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर बोला जाता है और उसके अंदर डीएनए रहता है। राइबोसोम, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी मिलके प्रोटीन को सिंथेसिस करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, वेरियस चीज़ ट्रांसपोर्ट करने में सेल के अंदर हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है और वो एनर्जी जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल रहता है, एनिमल सेल्स में वो नहीं रहता। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।